प्रथम तहलका न्यूज। जींद के उचाना खटकर टोल पर किसानों का धरना 60वें दिन भी जारी है। किसान यहां पर लगातार कृषि कानूनों का विरोध जता रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। बता दें कि आंदोलन के 60वें दिन उचाना खटकर टोल पर पगड़ी संभाल दिवस मनाया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये कार्यक्रम रखा हुआ था। पगड़ी पहनकर किसान धरना स्थल पर पहुंचे। अंग्रेजों में शासन में किसानों के हकों के लिए पगड़ी संभाल आंदोलन करने वाले भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया गया। पगड़ी संभाल सकता का नारा दिया था, क्योंकि पगड़ी संभाल सकता एक किसी एक कौम का नाम, एक किसानों का नाम है। पूरे किसान उसमें पूरा देश शामिल होता है, और पगड़ी संभाल सकता का नारा दिया था, क्योंकि पगड़ी एक ऐसी चीज है, एक बंधन है, इज्जत है, सब कुछ पगड़ी में बंधा हुआ होता है, और ये सर का ताज होता है। इसलिए ये जीत का प्रतीक भी होता है। जिस आदमी का पगड़ी बन जाती है वो पूरे देश का जिम्मेवार होता है, घर का जिम्मेवार होता है, समाज का जिम्मेवार होता है। इसलिए आज हम उनका अजीत सिंह की जयंती मना रहे हैं, खटकर टोल प्लाजा में और पूरे भारत में, क्योंकि पगड़ी एक हमारा सम्मान का प्रतीक है। अगर हम 1 करोड़ आदमियों में कोई हमारा मुबारक पगड़ी उतार के अगर ऐसे कर दे, 1 करोड़ आदमी मान लेंगे पगड़ी में इतना दम और इतनी शांति और इतना प्यार और इतनी इज्जत होती है पगड़ी में। तो सरकार से, सरकार को किस तरह संदेश दिया आपने आज? सरकार को हमने ये संदेश दिया कि भाई हम पगड़ी धारी आदमी है, किसान मजदूर, और पूरा देश पगड़ी धारी आदमी है। जब पगड़ी बांधता है, किसी का बाप गुजर जाता है तो उसका बेटा पगड़ी बांधता है, परिवार को संभालने के लिए पूरा समाज उसको सम्मान देता है। और ये पगड़ी इसलिए बांधता है, ना झुके ना बिके ना टिके, ये पगड़ी का हमारा इतना बड़ा महत्व है हमारे समाज में, क्योंकि पगड़ी में ही सब कुछ, ये धर्म कर्म शर्म ये पगड़ी में लिखी हुई है, हमारे देश की, हमारे समाज की। पगड़ी, इस पगड़ी का सम्मान करना हमारे को देश को बहुत। इसी के तहत आज यानी बुधवार को दमन विरोधी दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कि जींद के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा ताकि जो मामले दर्ज हुए हैं उन्हें वापस करवा सके। जो हमारे किसान भाइयों के और किसान नेताओं पर 26 जनवरी को, जबकि सरकार नहीं तो पोछे हथकंडे अपनाकर हमारे किसान भाइयों पर जो मुफ्त में दर्ज करने का काम किया है, हमारे आंदोलन को कुचलने का काम करना चाहती थी, आंदोलन को खंडित करना चाहती थी और किसानों को डराना और धमकाना चाहती थी, तो जो किसानों पर मुफ्त में दर्ज किए हैं उसके लिए हम राष्ट्रपति को कल ज्ञापन सौंपेंगे डीसी के माध्यम से, और यहाँ पर 1 बजे के लगभग यहाँ से चलेंगे अपने पूरे काफिले के साथ और डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम। तो किस मतलब ट्रैक्टर में ले जाओगे या किस? हाँ, यहाँ से अपने अपने साधन में डीसी ऑफिस चलेंगे और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे कि हमारे जो किसान भाइयों पर झूठे मुफ्त में दर्ज किए गए हैं और जो दमन की नीति सरकार अपनाए हुए है उनको मुकदमों को भी वापस ले, और इस प्रकार की जो औचित सरकार करती है वो करने का ना काम करे। तो ये तो सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है आंदोलन। तो इसके साथ ही किसान आंदोलन को लंबा चलाने का प्लान बना चुके हैं। किसानों का ये कहना था कि सरकार चाहे कितना ही अड़ियल रवैया क्यों ना अपना ले, वे तो शांति पूर्वक अपना आंदोलन करते रहेंगे और कृषि कानूनों को वापस करवाए बिना नहीं लौटेंगे। प्रथम तहलका के लिए जींद से परवीन कुमार की रिपोर्ट।